जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक और आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर 12 बजे करेंगे नामांकन। अरविंद केजरीवाल का दावा, गिरफ्तार हो सकते हैं राघव चड्ढा। आरबीआई ने चौथी बार बढ़ाई ब्याज दर, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। गृह मंत्रालय के पीएफआई पर बैन लगाने के बाद पंजाब सरकार ने आदेश किया जारी। अंकिता भंडारी केस, पौड़ी जेल में बंद आरोपियों को एसआईटी ने 3 दिन के रिमांड पर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे दिग्विजय सिंह। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे हुआ मजबूत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज कर्नाटक में करेगी प्रवेश, अब तक 532 किलोमीटर की दूरी तय। कांग्रेस ने पार्टी नेताओं को अंदरूनी मामले पर टिप्पणी करने से बचने की दी सलाह। दक्षिण रेलवे ने त्योहार पर भीड़भाड़ रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट 10 से बढ़ाकर 20 रुपए की। महाराष्ट्र नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, 44 आईएएस अधिकारियों का तबादला। दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आपस में भिड़े, फायरिंग में एक स्टूडेंट घायल। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन के लिए 12 अरब डॉलर की सहायता को दी मंजूरी। नई दिल्ली में G23 की बैठक के बाद आनंद शर्मा ने गहलोत से की मुलाकात। दिल्ली बॉबी कटारिया को मिली जमानत, जांच में सहयोग न करने पर हुआ था अरेस्ट। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना 3,947 नए मामले सामने आए। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन के लिए 12 अरब डॉलर की सहायता की मंजूरी दी। आनंद शर्मा के घर मिले G23 के नेता, भूपेंद्र हुड्डा, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान रहे मौजूद। शशि थरूर ने की पुष्टि, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव।